Assalam-o-Alaikum. Welcome to another episode of Constructive. Today, it's a bit difficult describe In essence, he is the true definition of an entrepreneur. From owning a restaurant, from owning a construction company. To a construction digital platform, to being a partner in a hotel chain, and a political activist. Mr. Moizuddin Fareed, how are you, sir? i, read, thank you. So, I was so a was leading a line of my life. <laughs> <laughs> but Am I missing something? I think uh, someone who is struggling, someone who is struggling to find his true passion, which I have, but I continue to look for it. I think. Okay. Usually, Moiz, I ask.

तो so, hmm. इसके लिए एनीथिंग दैट कीप्स मी ऑन एनीथिंग दैट गिव्स मी पैशन टू थ्राइव सो मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नहीं मुझे बताएं कि जैसे ठीक है। डाइवर्सिफाई इतना ज़्यादा लॉट ऑफ करेज ये जो आप डिसीजन लेते हैं कि अच्छा चलो यार ये भी कर लेता हूँ और फिर मैनेज भी करना इन चीज़ों को ये किस तरह करते हैं असल में मेरा ख्याल है कि किसी भी बिजनेस की बेसिक्स आर ऑल Always the same. I've always felt that I am a good salesman. So if you give me anything, I think I can very well sell it in a way that might be difficult for anyone else to do it. So the product could vary, but the same foundation is everywhere in any, any other genre of the business. And that was my main business. And I started off from scratch. So I had to learn each and everything of it. So I, I was like, टाइल ख़ुद बिछाई हुई है ग्लास खुद फिट किया हुआ है तो मुझे उसका ऑन ग्राउंड इतना एक्सपीरियंस है शायद और किसी ठेकेदार को इतना ज़्यादा ना हो चाहे हम इतना ज़्यादा किसी और को ना हो सो इफ़ यू गो थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ गेटिंग ऑफ लर्निंग थिंग्स थिंग्स फ्राम स्क्रैच इट्स सॉर्ट ऑफ बिकम्स ईजी टू डेलीगेट टास्क सो अब रेस्टोरेंट पर अगर आप कर दें तो रेस्टोरेंट अगर आपने छः सात महीने उसकी जस्ट ली हो तो आई थिंक इट बिकम्स ईजी टू डेलीगेट इन द फ्यूचर तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता आई थिंक इट्स हाउ यू मैनेज योर टाइम एंड अल्टीमेटली आई फील इफ यू ट्रू टू यूर सेल्फ आप घर से निकलो काम करने के लिए तो फिर काम करो अगर आप घर से निकलो हो इन्जॉय करने तो फिर इंजॉय करो सो आई थिंक इफ आई एम गोइंग आउट ऑफ माई हाउस टू वर्क इट हैज टू बी वर्क एंड सो आई थिंक इट्स अबाउट बींग टू लेट्स गो बैक टू यूर से आपकी जर्नी क्या बोथ टू द सेम स्कूल वी वेंट टू उसके बाद फिर um, एथन से निकाल दिया था पता नहीं शायद आपको निकाला ही नहीं हमें तो निकाल दिया था हम बच बस सो उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड से ला गया माई चार्ट अकाउंट्स फ्रॉम लंडन फ्राम अ स्कूल कॉल कैप्टन फाइनेंशियल दैन आई केम टू पाकिस्तान बस इंग्लैंड में भी काम किया स्टेट मोस्ट फोर ईयर्स उधर मैंने आर्टिकल्स किए अपने एंड वाइल आई डूइंग डूंगाई आर्टिकल दैट इज मैन आई डिप्ड माई अ फ्लेयर फॉर रिटेल एंड दैट्स मैन आई गॉड इन टू रिटेल और फिर पाकिस्तान आने के बाद आई वर्क एन In a, in, a, in a local brand, and then in 2013, 12, 13, I started my own business of construction, and that focuses around retail. Okay. So, uh, since England, I, like I told you, i had this player for retail, so construction retail was something that I got into in 2012 13. So, to be exact, we're talking about marketing, right? yeah. So, ki kya journey, actual journey, established? And project? Initially, I, was, I started this business with three of my friends. Uh, वो साथ थे लेकिन फिर ऑब्वियसली इट बिकेम डिफिकल्ट टू वर्क विद थ्री पीपल हु हुई माइंड सेट्स बाकी दो अलग हो गए सो आफ्टर सिक्स सेवन मंथ्स सो आई कंटिन्यूड इट इन एचुअली तो मेरा रोल वॉज जस्ट बिजनेस डेवलपमेंट लाइक आई एम टेलिंग यू आई थॉट आई वॉज गुड विद सेल्स आई सेल अ प्रोजेक्ट लेकिन वो आउट ऑफ लक आई गॉट स्टक इन टू लॉजिस्टिक्स पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड देन आई हैव टू लर्न इट सो पहला काम तो बड़ा छोटा सा था एक ऑफ़िस का फर्नीचर सप्लाई करना था तो उनके रेट्स ऑलरेडी मार्क थे तो आई थिंक uh, मुझे डिलीवरी में पैसे बचे थे अट्ठारह सौ रुपये वो पे करते थे और हमें शायद बारह सौ रुपये कॉर में तो छः सौ रुपया पहला प्रॉफिट था अगर आप उसको इस उस तरह से देखें तो बट देन आई थिंक आई आई स्टेड इन दिस बिजनेस एट द राइट टाइम आई डिड नॉट क्वेट विच अट ऑफ पीपल इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस अलॉट ऑफ पीपल स्टे इन इट फॉर वाइल एंड देन दे फील के आर ये कोई ज़्यादा लुक्रेटिव बिजनेस नहीं ये बहुत है।, है।, है ये मुश्किल पे ऑफ दैट आई टू डू फॉर द फर्स्ट थ्री फोर वाज वेरी है डे ऑफ तो चार तीन चार साल अठारह अठारह घंटे नॉन स्टॉप काम करना अपनी फैमिली लाइफ तबाह दोस्तों से बिल्कुल ही तीन चार साल में नहीं मिला और उस दौरान फिर आई लर्न ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस बिजनेस विच आई के कोई भी um, ठेकेदार एक तो क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था एंड आई वाज नॉट एन आर्किटेक्ट सो आई वाज समथिंग इन द मिडल नॉट एन आर्किटेक्ट बट पढ़ा लिखा ठेकेदार सो नाउ इफ आई वाज पढ़ा लिखा आई टू इक्विप माई सेल्फ विद राइट नॉलेज ऑफ दैट बिजनेस सो दैट टू अ लॉट ऑफ टाइम और फिर चार पाँच सा, चार साल तक आई आर आई थिंक आई हायर माई फर्स्ट एम्प्लॉई आफ्टर थ्री एंड हाफ ईयर्स और तीन साढ़े साल तक मुझे ठेके पे लेबर पर काम कराता इट वॉज वेरी डिफिकल्ट Uh, uh, चाहूँगा कि आप फिर से एक दफ़ा रिपीट करें कि द इमोटेंस ऑफ नॉलेज इन दर्ल्ड बट टू बैक इट अप विदिंग इज नॉटली अबाउट जस्ट कमिंग अप विद पेट इज अबाउट द राइट नॉलेज ऑफ दू से सर्विस सो मैंने जो अपने इस काम के दौरान भी चीज़ फील की कि लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम ले लेते थे और उसके बाद आगे आउटसोर्स कर देते कर दे थे अपना मार्जिन जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज भी करती हैं टेंडर में बैठ जाती हैं लेकिन वो काम खुद नहीं करती वो बाय द वर्च्यू ऑफ देर कॉन्ट्रैक्ट बाई ऑफ द फाइनेंशियल दैट दे दे हैव रिटेन द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स बींग प्रिंसिपल लेकिन आउटसोर्स करते हैं contacts, they have, they तो करते तो काम किसी और को, और को। तो ऑब्वियसली जब तक आपको किसी भी चीज की बेसिक्स फाउंडेशन उसकी डेप्थ का आइडिया नहीं होगा देन इट कैन नॉट बी अ बिजनेस दैट यू नो वो जिससे आप अपना घर चला सकें तो मैंने तो ये देखा कि और इसके अंदर इतने ज़्यादा वर्टिकल्स हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर कि स्काईज एलिमेंट सो इफ़ यू गेट बोर्ड विद पेंट फॉर एग्जांपल यू कैन गो टू टाइल्स एंड फ्लोरिंग इफ यू गेट बोर्ड विद दैट यू कैन गो एट सिविल वर्क सीलिंग लाइटिंग इतने ज़्यादा वर्टिकल्स इतने ज़्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस बिजनेस के अंदर कि ये आपको बोर ही नहीं होने देता तो uh, मेरा तो वैसे ये ख्याल है कि वैसे uh, शायद आप आगे पूछ रहे कि मैं बताऊँगा अभी uh, मैंने बीच में ना चौथे साल आई हैड अ फ्यू इंटर्न इज फ्राम वेरी डिज़ाइन स्कूल इन लाहौर एंड ऑनेस्टली आफ्टर डूइंग वॉट फोर और फाइव ईयर्स ऑफ डिग्री इन आर्किटेक्चर दे हैड नो आइडिया वॉट द मटीरियल वर एंड इफ दे दे डू इफ दे न्यू वॉर द मटीरियल वर उनको मटीरियल्स की एप्लीकेशन का ही आइडिया नहीं था कि ये अप्लाई कैसे होता है सो आई फील आई एम जस्ट टॉकिंग टू पीपल हु हैव थियोरेटिकल नॉलेज बट नो नॉलेज हैंड्स ऑन इन रियल टर्म्स तो उसके बड़े नुकसान होते हैं तो एक जो लर्निंग फेज है विदाउट अंडरस्टैंडिंग all द So, आई थिंक इट्स एक आधा आधा काम है उसकी कोई एसेंस में कोई वर्थ नहीं होती मुस्त नईम आए हुए थे हमारे पास प्रीवियस पॉडकास्ट उन्होंने एक बात की थी कि uh, अगर एक यंग ग्रेजुएटिंग आर्किटेक्ट को पैसे दे के भी

आपके भी जो जो आर्किटेक्ट हैं वो अपनी डिग्री मुकम्मल करते हैं इट शुड बी कंक्लूसिव डिग्री इट शुड नॉट बी उनको मार्केट में निकालने की तो लॉजिक एक्जिस्ट नहीं करते ना तो आप इसके साथ जैसे हम जैसे मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ मैंने अगर चार साल में अपने पेपर्स क्लियर किए मैंने तीन साल के अपने आर्टिकल्स काटने हैं सो अनलेस आई एम नॉट अ अम्बर आई के नॉट गो एंड यू नो रेंडर माई सर्विसज टू एनी वन

ऐसा है पहला सवाल यही पूछने लगा था कि वट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट दोस्ट पार्टी क्या लगता है कि क्या फेस करते हैं आप मेरा मेरा वैसे ख्याल है कि मुश्किल पार्ट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जो आई नो कंटिन्यू टू अनदर क्वेश्चन एज वेल वो ये था कि इस इंडस्ट्री में लोग बहुत डिस्क्रीट हैं बहुत सीक्र हैं और आई थिंक उनका बिजनेस पूरा उस सीक्रेसी के ऊपर ही खड़ा हुआ है आ, मेरा ख्याल है सबसे मुश्किल इस इंडस्ट्री में यह था कि मुझे तीन चार साल खज्जल खुआारी करनी पड़ गई मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं था जो समझाता कि एक एम की दीवार कैसे खड़ी होती है सीलिंग जिप्सम की कैसे लगती है प्लास्टिक ऑफ पैरिस की कैसे लगती है क्योंकि अगेन नॉलेज इंपार्ट करना तो इस इंडस्ट्री में ऐसा लगता है कि कोई आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है सो पीपल डोंट डू दैट कम करते हैं शायद प्रॉबलीस फाइव परसेंट ऑफ द पीपल इन दिस इंडस्ट्री ट्राई टू हेल्प अदर डोंट यू थिंक ये सोसाइटी का इशू है हमारी सोसाइटी का इशू हो भी है ना और सोसाइटी के अंदर प्रीडोमिनटली अनपढ़ लोग हैं आपके इंडस्ट्री में प्रीडोमिनटली पढ़े लिखे लोग हैं अनटिल और अनलेस आप नॉलेज एक बंदे दूसरे बंदे पर नहीं जाएगी वो स्प्रेड भी नहीं हो सकती और दूसरा इंडस्ट्री इन सेल्फ इवॉल्व भी नहीं हो सकती तभी ये मसला है तभी जो एजुकेशन करिकुलम्स हैं आर्किटेक्चर के वो अपूट हो चुके हैं

और पहला इनिशियल कैसा था आपका असल में पहले तो इट हैपेंड इन इन कोरोना के दिनों में बिल्कुल एक तो उसका पर्सनल पर्सनल था रीज़न था उसको करने का दूसरा एक जनरल रीज़न भी था जैसे मैंने अभी आपको बताया पहला रीज़न ये था कि लोग, लोग काम करना चाहते थे लेकिन उनको रोजगार कमाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था लोगों ने अपने घरों में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी लोग सालों बाद अपने घरों के चेहरे देख रहे थे अपने किचन देख रहा था कैसे कैसे But they didn't have the access to the right people. So I thought that okay, I, I, I had wanted to do this for a while, but I thought that okay, this is the right time to do it. Maybe for the first time in my life, I think Vela tha, ke, I didn't sit. I did one thing. Okay, this is the most important thing that actually makes actual difference. It creates a middleman mentality to mitigate. Karne ki baat hai. So for the first time, if you as a company are providing a service or a product.

उसको उठा के मैं डिफेंस में ले आता हूँ फॉर मैं आपको जगह मैं मार्केट में जाता हूँ मैंने बीडन रोड से डेकोरेटिव आइटम खरीद लिया उसको उठा के मैं डिफेंस ले आया मेरा लेजिटिमेट मार्जिन है कि मैं बीस परसेंट कमा लूँ तीस परसेंट कमा लूँ लेकिन पाँच सौ परसेंट नहीं कमाते है। अच्छा वो पाँच सौ परसेंट की वजह क्या है इनएक्सेसिबल होना एक दूसरा नॉलेज कम होना Information mm -hmm. So the idea was, so if someone is selling a decorative product in Shahalmi, for example, or in or anything in Biden Road, they should also have the access to the end consumer. And this is what we did. So we, we grew massively because of this. The idea was again, not to conceal information. So if, if someone wants to make money, it should be for the rightful reasons. I if, if I'm a contractor. माई यू एस पी एस मुझे लगता है मेरे से तेज ठेकेदारी कम लोग करते हैं इंटीरियर फिनिशिंग में सो वी प्रॉब्ली द फास्टेस्ट टर्न की सोल्यूशन कंपनी इन पाकिस्तान अब इसके अगेंस्ट आई कैन चार्ज द क्लाइंट सर्विस फी मैं ये तो नहीं कर सकता कि दो सौ का मग है इसको मैं क्लाइंट को दो हज़ार का भेज दूँ क्योंकि क्लाइंट को उसकी नॉलेज नहीं है सो द आइडिया वॉज टू मेटिकेट दैट एंड क्रिएट रियल टर्म वैल्यू फॉर एनी सर्विस अ प्रोडक्ट द मोस्ट इम्पॉटेंट connectivity. कनेक्टिविटी connectivity, जो, जो, जो लोग नहीं करते जिसके लोग पैसे भी लेते हैं जिसके लोग कनेक्शन की फाइंडर्स फीस भी होती है बिच आई थिंक इस स्टेज पे जरूरी नहीं है लेट द इकॉनमी ग्रो लेट द इंडस्ट्री कम grow. मसले हमारे पास ले, लेकिन मैं पर्सपेक्टिव ये जरूर मैं ये प्रॉब्लम हम फेस करते थे मेरे को पता है हमारी जो एंड कंज्यूमर के साथ कनेक्टिविटी थी वो बहुत लो थी एंड नॉलेज भी शायद एंड कंज्यूमर की साइड से भी इतनी नहीं थी भी जब भी। तक आर्किटेक्ट हमें नहीं लाता था एंड आपके प्लेटफॉर्म में हमें डायरेक्ट कर इसमें इसमें अगेन काफ़ी लोग ये समझते हैं कि मैं पर्टिकुलरली आर्किटेक्ट के रोल को अंडरमाइन करता हूँ यह समझता हूँ कि उसका रोल नहीं है पहले तो बात यह टोटली गलत है फॉर मे आर्किटेट इज इज़ अ कीट ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दी इज़ द मेन व्हील ऑफ दिस इंडस्ट्री लेकिन अगेन दिस

उससे बेहतर उसकी नॉलेज किसी को भी नहीं हो सकती सो अगेन द आइडिया वो जब मैंने आपके साथ भी ए, किया था कंस्ट्रक्ट के अंदर सो द आइडिया वॉज कि यू बींग एन ऑनटरप्रीनर यूर सेल्फ अंडरस्टैंड वाई यू स्टार्ट दिस बिजनेस अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तुमने कंस्ट्रक्शन का काम क्यों शुरू किया आई वुड ऑब्वियसली ट्राई टू सेल दैट बिजनेस टू यू सो ऑब्वियसली इफ यूर सेलिंग अ प्रोडक्ट नो वन कैन कम अप विद अ बेटर पिच देन यू कैन सो अल्टीमेटली आप इसको पेंट पे ले जाएं,

असल में फेवरेट इस तरह से मेरा एक प्रोजेक्ट था हमने एक मल्टी ब्रांड स्टोर बनाया था मॉल टाउन में एक मॉल था उधर इट वाज कॉल्ड ब्रांड लैंड दैट गॉट फीचर्ड इन रिटेल डिजाइन ब्लॉग उस वक्त तो मुझे समझ आता था कि मुझे काम नहीं करना आता रिटेल डिजाइन ब्लॉग इज प्रॉबली दिगेस्ट प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजेस Projects worldwide. So, my project was one of the four projects that ever got published in that particular platform back in 2017. Nice. So, I think that's sort of a recognition. So, it was. Uh, so we had Massimo Dutti there, we had Puma there, it was a mix okay. of multiple so you stores. That. So, the idea was we created a theme within the theme of the store. So, Puma had its own eclectic industrial feel, Massimo Dutti was more uh, upbeat, formal. Wala.

हमारे जनरली जो बी ओ क्यूज बनते हैं ना वो स्क्वायर फुट और स्क्वायर मीटर्स में होते हैं प्राइमारिटी स्क्वायर फुट पे ही होते हैं क्यूबिक फुट पे नहीं होता तो लकड़ी जो आप खरीदते हैं ना वो हमेशा क्यूबिक फुट पे ख़रीदी जाती है ये एक आई ऑलवेज फाउंड इट फनी कि जब भी मेरे सामने बी ओ क्यू आया है ना तो वो बी ओ क्यू के अंदर अगर आप मटीरियल स्पेक्स देख लें तो वो हमेशा लकड़ी को स्क्वायर फुट में क्वान्टिफाई करते हैं इट इज़ फनी बट इट इज़ ऑल्सो आरॉनिक अच्छा ये चीज़ मैंने लकड़ी के गोदाम में लकड़ वाला जो बेचता है तो मैंने उनसे खुद समझी थी तो उन्होंने तब बताया था कि इसको क्यूबिक फुट में लिया जाता है इंस्टेड ऑफ स्क्वायर फुटेज तो ये ऐसी गलती है जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे शर्मिंदगी सी होती है कि हमें बेसिक सी नहीं है सही इन्फॉर्मेशन की बेसिक वेरी आरोनिक फ़नी क्या होना है फनी तो बहुत बहुत चीज़ें हो जाती हैं यहाँ यहाँ लोग स्पेनिश uh, टाइल बना के लोकल टाइल को बेच देते हैं यहाँ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप हैरान हो जाते हैं टोकन का पेंट बिकता है आपको पता होगा बेचारे वो टोकन वो समझते थे, थे वो हमने बचपन में आर्ट सुना टोकन वाले पेंट से होशियार वो समझ आती टोकन वाला पेंट क्या था वो काफ़ी सालों में पता चला टोकन वाला पेंट हुआ है जिसमें कंपनी डंके की चोट पर पे पेंटर को रिश्वत दे रही है बेसिकली हम इमेजिन करें ये फनी है ये हेरानिक है कि उसको एडवर्टाइज़ किया जा रहा है कि टोकन का पेंट यानी 90 परसेंट लोकल मैन्युफैक्चरर जो है वो टोकन डालते हैं बैंड के डब्बे के अंदर अच्छा मुझे बताएं कि uh, सबसे फीलिंग uh, क्या थी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू सबसे सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हमने ना चौथे पाँचवें दिन एक बंदे ने ना अपने uh, एक क्लाइंट था तो आर पुट ऑफ हिज बेसमेंट का सिनेमा इट वॉज अ जॉब वर्थ मिलियन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड कंपनी But since the registered company's offices were all closed down because of Corona, so the vendors thai, unko ad kura, unko Facebook, 5th were one of the people I knew because I had added those initial 5 6,000 people. So, one janne no ne how many vendor to Now, the vendor surprised that obviously the client had gone through the market, he knew that he was looking at something around 2 to 2.3 million. Ultimately, he ended up paying for an amazing job, 1.5 million. तो वह बंदा मेरे पास आ गया कहता है सर हम तो ये काम छः सात लाख में करते हैं इसने हमें पंद्रह लाख रुपए दिए तो मेरे लिए बड़ी हैरानी हुई वो बंदा खुश क्योंकि मार्केट बंद है हालात ख़राब है लोगों बस खाने के पैसे नहीं है उस बंदे ने बैठे बैठे पैसे भी कमा लिए फ्रॉम अ वेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू ही सेव्ड कोई सात आठ लाख सो एट दैट पॉइंट आई रियलाइज के इट्स जस्ट इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू ब्रिज थिंग्स राइट डायरेक्शन इट वो अ वेरी लॉन्ग वे सो अल्टीमेटली देखें मुझे नहीं पता ही कोई अच्छी चीज़ है कोई बड़ी चीज़ बन गई है अल्टीमेटली मेरे लिए इसमें कंटेंटमेंट बहुत ज्यादा है बिकॉज आई नो अ लॉड ऑफ पीपल दे कम इन मीट मीन टी क हमने आपके प्लेटफॉर्म से चार करोड़ का कारोबार किया पाँच करोड़ का कारोबार किया एंड अगेन माई पॉलिसी अनलाइक एनी वन इन दिस इंडस्ट्री जो शायद महीने का चार चार पाँच पाँच करोड़ रुपये काम लोगों को दिलवा रहा है मैंने किसी से एक रुपया नहीं लिया एंड अगेन समथिंग गिव्स मी हाई नोइंग दैट इज अ सर्कुलेशन ऑफ मनी अंडर माई नोज थ्रू मी एंड आई एम नॉट टेकिंग अ सिंगल पेनी आउट ऑफ इट लेकिन अल्टीमेटली आपने ये देखना होता है कि लोग आपके बिजनेस से बेनिफिट कितना उठाते हैं और अगर आप सोशल मीडिया पे ग्रुप बना के लोगों को इतना फ़ायदा दे सकते हैं इससे बड़ी क्या चीज़ है आपको कुछ लग तो नहीं रहा उसके है उसके अंदर ऐसे मुझे मुझे हमारे लोगों का ये क्यों इशू है कि वो जो आखिरी पेमेंट्स क्यों मारते हैं लोग मैंने दान्याल साहब मैंने तकरीबन डेढ़ सौ प्रोजेक्ट किया अपने हाथ से मैंने कोई प्रोजेक्ट आउटसोर्स नहीं किया मेरे शायद ही कोई पैसे मारे हो किसी ने शायद ही सुन लगा मुझे पता है कि एक इंडस्ट्री में नॉर्मल के लोगों का आखिर में दस से पंद्रह बीस परसेंट मारा जाता है मैंने आपको बताया था मैंने तकरीबन डेढ़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट किए लास्ट टेन ईयरस में शायद ही किसी ने एक दो लोगों के अलावा शायद ही किसी ने मेरे पैसे मारे हो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है क्लाइंट आप पे इतम कितना करता है अगर आपने एक प्रोजेक्ट तीन महीने गुजारा है चार महीने में मुकम्मल किया है अगर आप क्लाइंट के साथ एक पर्सनल रेपो डेवलप ही नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली क्लाइंट आपके पैसे मारेगा क्योंकि वो आप पे इतम नहीं कर रहा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूँ मुझे पता है लोग आके बताते हैं मेरे पैसे इसने मार दिए इसते मार दिए इस मगर लोग आके कंप्लेन भी करते जी आपके मैं क्लाइंट मिला उसने पैसे मारे आप दिलवाएं मतलब मैंने तो नहीं तुम्हें काम भी है, काफी काफी करते हैं हर दूसरे देश बंदा आया होता है इशू इज कोई बंदा नजायज़ किसी के पैसे नहीं मारता इज ऑलवेज दिस रीज़न बिहाइंड इट और अगर आप अब मैं आपको अपनी बता सकता बाकी का तो मुझे पता नहीं है सो वेन आई वेन आई हैड अप्लाइड फॉर इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक इन पाकिस्तान आई गेव दम लिस्ट ऑफ अराउंड सेवेंटी बिजनेस ओनर्स डन बिजनेस विद डायरेक्टली

इस बात पे गेज करना चाह रहा है कि वो 10 परसेंट या 20 परसेंट ही वॉन्ट्स टू होल्ड फॉर वन और टू मंथ्स और वो होल्ड करना चाह रहा है आई थिंक यू शुड डू इट इन द इनिशियल ऑफ योर बिजनेस बिकॉज दैट वुड स्पीक वॉल्यूम्स ऑफ ऑफ द सॉर्ट कमिटमेंट दैट यू गिविंग टू द क्लाइंट एंड टू वर्ड यूर ओन बिजनेस मैंने तो ऐसे पैसे, पैसे अडवाए हैं मैंने छ महीने पैसे पिसवाए हैं लेकिन मुझे सातों महीने पैसे मिले हैं तो मैंने फिर धड़ल्ले से पिसवाए मैंने कहा ठीक है पिसाओ मेरी क्वालिटी में मसला होगा पैसे काटना एंड माशा माशाट पीपल कॉलिंग बै गया मज़ा आ गया है पैसे लो आके मैं भी उनके भी छः महीने पाल लेता था।, था लेकिन अल्टीमेटली देखें योर क्लाइंट शुड बी योर फ्रेंड्स एंड वाई वुड अ क्लाइंट बिकम अ फ्रेंड इज वैन दे ट्रस्ट यू देर नो दैट द मनी दैट देर गिविंग फॉर अ प्रोडक्ट फॉर द सर्विस विल नॉट बी यू नो एक्सप्लोयटेड विल नॉट बी प्लेड विद अब ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है अब आपने एड देख लें कितने लोग हैं जो इस मोटो पर काम करते हैं

तो दिस बिजनेस गिवेन मी दर्सिस्टेंसी इन लाइफ एक कंसिस्टेंट रहना किसी भी काम के अंदर मेहनत करके काम करना तो मेरा ख्याल है इन टर्म्स ऑफ शेपिंग दिस बिजनेस मी अलॉट एंडलीट इज द रीजन वाई आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन बिजनेस एंड इज वाई माई हार्ट एनवरेट लीज फेवरेट है नहीं अगर लीज फेवरेट होगा तो मैं करूंगा नहीं नहीं है कुछ भी अच्छा हैं कि अच्छा सबसे पहले आप आई थिंक इन द लास्ट थ्री फोर सिंस इट मीडिया एवर सिंस आई सीन इट्स ब्रांडिंग ऑल अक्रॉस डिफेंस एंड मेजर कमर्शल प्रोजेक्ट्स दैट्स मैन आई स्टार्ट सींग इट और फिर मैंने आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम यूज किया चार साल पहले And ultimately, uh, because of your hands-on approach towards your business, I have always had an amazing experience with. Phir the sort of experimentation that you guys do, recently, recent job we have done. Uske under, me apse cha probably economical cheese raha tha. Lekin apne mujhe better quality ki cheese usi rate pe bhi karke. So I, I never thank, thank, you for that. <laughs> so thank you for that. So your, uh, your hands-on approach, I think that has made it a household name now. लेकिन रॉक शील्ड का सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जो हमारी दो साल पहले या डेढ़ साल पहले मुलाकात थी यह था कि जो एक रॉक वॉल ब्रांड था आप लोगों के शायद आपके बालद साहब ने आपकी फैमिली ने शुरू किया उसको एक जेनेरिक तौर पे फिनिश के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे कोरियन इज़ अ ब्रांड ऑफ ड्यू पॉइंट जब लोग कहते हैं कोरियन है जबकि वो किसी और कंपनी का भी हो सकता है लाइक वाइज रॉक वॉल है दैट वॉज एक्चुअली रॉक शील्ड का प्रोडक्ट एंड नाउ इट हैज़ बिकम generic genre of that particular sort of finish that shows the sort of strength you have in the sort of industry that you're in so that's how i know of Rock rockshield your restaurant bara yeah. right how's that going alhamdulillah uh, much better than i expected well, what are the plans um, i want to take it into every city in pakistan okay

Um, you should have your uh, voice um, about it, you should have, you should raise your voice against it. either. Yeah, you like... Either you're on the right or you're on the wrong. And how's the law college going? law college, mein, uh, I'm a silent partner. Uh, my partner basically looks after it. But Alhamdulillah, the idea started off from something which was uh, in either direction mein. but I think when the right Collective minds sat down. It has turned into something that we never thought it will probably be one of the first law colleges which would be driven on philanthropic reasons. Okay. Uh, we're trying to financially support the students on a very early stages of a business, which normally no one does. But the core of helping people is business boards. In the end, how do you see yourself making a real difference? I think um, in recent times, because of what this government is doing to normal people, इट इज़ अबाउट हाउ यू सस्टेन योर एम्प्लॉयज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए बिजनेस ओनर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालना ये एक बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिक डिसीजन है जो आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि इस वक्त इम्तहान का टाइम है और ये शायद जो हालात हैं काफ़ी देर शायद ऐसे चले आई थिंक इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग जॉब्स फॉर मी इफ आई मीन टू सो मैनी बिजनेस द आईडिया इज टू क्रिएट एज मनी जॉब आई कैन अब पैसा शायद इतना गोल नहीं रहा अब गोल ये है कि इफ़ आई कोड हैव

आप ये सारे बता रहे आई बातें कर रहा हूँ मेरे दोस्तों ने शायद एक कारोबार करने के बाद लैंड लेना शुरू कर दिया फाइल लेना शुरू कर दिया मैंने पैसा वापस कारोबार में लगाया बिकॉज आई एक्चुअली फील कि अगर आप लोगों को रोजगार देंगे आपका रोजगार बढ़ेगा सो अल्टीमेटली इसमें इंट्रेंसिक रीजन भी है ये कोई ये नहीं कि आप भूल के लोगों के लिए करें आपको भी फ़ायदा होता है सो अल्टीमेटली इफ़ यू ट्राई टू अगर आपके पाँच एम्प्लॉय हैं आप समझें कि आप पाँच फैमिलीज़ के गार्डियन हैं अगर अल्लाह आपको पाँच से पचास पे लेके जाता है पचास से पाँच सौ पे लेके जाता है तो उतने ही आपके ऊपर ओनर्स ऑफ रिस्पॉसिबिलिटी आता है तो आई थिंक अगर किसी के पास सौ एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रोज़गार और बेहतर करें उनकी उनको तरक्की दें उनको जो काबिल लोग हैं मैं बड़ा बड़ा रुथलेस भी हूँ अपने काम के मामले में वेरी स्ट्रैक्ट जो बंदा नहीं समझता वो खा के बाहर भी फेंकता हूँ वर्स दैट इफेक्ट इस तरह से लेकिन जो, लो well, so जो लोग काबिल उनको मौका दें इंसेंटिज करें उनके घंटों के ऊपर इंसेंटिज करें उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इंसेंटिज करें क्योंकि अल्टीमेटली इफ दे वर्क वेल यू मेक मनी बिल्कुल दैट इज द आइडिया इस इंडस्ट्री में या तो एंटर करना चाह रहे हैं याद उनके लिए क्या मैसेज देंगे यार देखें कोरोना ने ना एक तो बड़ी जबरदस्त चीज़ की कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए बड़ी डिजास्टर्स चीज़ की इन टर्म्स ऑफ बिजनेस जो मिड ईयर हल्का काम करने वाले लोग थे ना उसको तो कोरोना ने उठा के मार्केट से बाहर फेंक दिया ये अच्छा काम किया उन लोगों के लिए जो इस बिजनेस में पैसा लगाते हैं नाउ हैव टू सफर सो एनी वन बिजनेस इन कंस्ट्रक्शन राइट नाउ हैज थ्रू द फेस ऑफ गेटिंग फिल्टर्ड सो अब जो फिल्टर्ड आउट कंपनीज जो काम कर रही है जिन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स किए ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए हुए वो खड़े हो जाएंगे न्यू एंट्रेंट के लिए ये है जो मैंने आपसे पहले बात की गो फॉर अ अड विल इन द द इनिशियल ऑफ योर बिजनेस इफ यू हैव अ इन मार्केट दैट गोज वे अगर आपने खाली पैसा कमाना है मिल करना क्लाइंट को निकल जाना है इससे बेहतर भी और कोई काम नहीं ये बहुत मजे का काम है क्योंकि आपको एडवांस पे पैसे मिल जाते हैं सो न्यू एंट्रेंस के लिए जहाँ अच्छा पार्ट ऑफ दिस बिजनेस है वहाँ रिस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ द बिजनेस भी है कि आपने सस्टेनेंस के लिए गुडविल क्रिएट करनी है मार्केट में और गुडविल के लिए प्रॉब्लम आपको पैसे भी बसाने पड़ते हैं नेवर टू फाइट विद योर क्लाइंट ऑलवेज बी ऑन एनेमिकेबल टर्म्स विद विद पीपल दैट यू वर्क विद आई थिंक न्यू एंट्रीफोर्ट नीड्स टू डू प्लस कैरिंग द राइट नॉलेज ऑफ द मटीरियल्स कैरिंग द राइट नॉलेज ऑफ वट दिस होल बिजनेस इन टर्म्स विच नॉर्मली डोंट पीपल डोंट डू दैट एज फॉर पीपल ऑलरेडी इन दिस बिजनेस खुदा का खौफ करें रिश्वतें ना लें बी ट्रू टू योर बिजनेस क्लाइंट को जो कमिट करें उस कमिटमेंट को डिलीवर करें और किसी के पैसे के साथ ना खेलें ये एक बड़ी लोग भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली मैं कल भी बंदे बता रहा कि किसी ने अगर एक नाला घर बना है उसने पंद्रह साल अपनी तनख्वाहों का कुछ हिस्सा चिप करते 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 घर प्लॉट खरीदना है तो उसको दस साल और लगने हैं फिर तो थोड़ा थोड़ा ऐसा करके एक बंदे की पच्चीस तीस साल की मेहनत वो आपकी पकड़ा रहा है उसकी इज्जत करें रिश्वत ना लें दो नंबर मटेरियल ना लगाएं और ये हमारी हरकतों की वजह से इंडस्ट्री इवॉल्व नहीं कर सकी आप ब्रिटेन के प्लान्स देखें कंस्ट्रक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव कहाँ ले गया इंडिया कहाँ ले गया इंडिया तो अब लेबर से उठ के इंडस्ट्रियल पार्ट इंडस्ट्रियल साइड ऑफ दिस बिजनेस पे जा चुका है उन्होंने टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ करी इस बिज़नेस के अंदर हमारे बेसिक्स ही खराब है क्योंकि हम अपनी बिजनेस के साथ सिंसेयर नहीं है सो आई थिंक दैट्स वन थिंग अगर आप अपने बिजनेस रहेंगे सो इट माईट हेल्प मेरा तो ख्याल करता है पता नहीं भाई आई uh, फील के मैं आप और हम जैसे जितने भी हैं अब हमारी जनरेशन के आप शायद रियलाइज ना करते हो बट नाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग थोड़ा सा आपसे डिसग्री करूँगा हम वी मे एक्ट एज पीपल हुन प्ले अटलिस्टिक रोल लेकिन अल्टीमेटलीजन स्ट्रैटी द मोडर्स ऑपरेंडी हैज़ टू कम फ्राम पीपल हु इन दिस बिजनेस हमारी उम्रों से भी ज़्यादा जिनको चालीस चालीस साल तीस तीस साल हो गए बिजनेस के अंदर देव टू कम फॉरवर्डिंग विच विच जनरली हेल्प्स दिस बिजनेस घरों में ना बैठे अपनी छोटी छोटी चार चार इंच की मस्जिदें ना बनाएं बाहर निकलें छोटे छोटे लेबल्स लगा के बॉडीज आइडेंटिफाई करके इससे कुछ होने नहीं लगा अल्टीमेटली जिन्होंने चालीस चालीस साल इस इंडस्ट्री को दिए मैं उनकी जिम्मेदारी है वो एक विजन तो दे उस विजन पे आप और काम कर सकते हैं हम विजन ही बना सकते माजर के साहब जितना मर्जी बोल बोल पड़े हमें इस बिजनेस के माइनर एरियाज का आइडिया है बिकॉज वी इन दिस बिजनेस फॉर मेनी डेट थोड़ा सा टाइम हुआ है जिन्होंने इसमें टाइम गुजार दिया अपनी जिंदगियां दे दी काम उनका एक एक डायरेक्शन देने का उस डायरेक्शन को फॉलो करना हमारा काम है अगर आज आपका सरिया इन द लास्ट वन ईयर 123% बढ़ा परसेंट है इस इसकी रेट कंट्रोलिंग बॉडीज कौन है इनके रेट पे डिस्कशन कौन कर रहा है किसी से परमिशन ली जाती है ये मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर को कर्टेल कौन कर रहा है कोई बंदा से बात नहीं करता ये आपने और मैंने नहीं करना जो इस इंडस्ट्री के बाप है ना उन्होंने इस पर बात करनी है जब तक वो अपने अपने एक ताउ पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकलेंगे ना विच ऑब्वियसली हैज़ वैल्यू uh, तब तक जनरल ओवरऑल इस इंडस्ट्री में होने को लगा पहुंचेगा पहुंचेगा ही नहीं आप बताए मुझे एक एक सीजन जिसने कोई जिंदगी में हजारों प्रोजेक्ट्स कर लिए। उसकी इस इंडस्ट्री में इतनी वर्थ इतनी रिस्पेक्ट है कि वो एक कैबिनेट बना ले काउंसिल बना ले जो गवर्नमेंट से जाके बात करें कि जी आपने सीमेंट के रेट बढ़ा कैसे दीते ज्यादा सीमेंट वाला आता है वो कहते हैं जी हमारा तेल ज्यादा लगता है हमारे बिजली के एक्सपेंस बढ़ गए एटलीस्ट कम एंड नेगोशिएट रात को उठते हैं रात को सोते हैं सात सौ रुपये का सीमेंट होता है सुबह उठते हैं बारह सौ का होता है कहाँ जाएंगे कॉपर वायर अट्ठाईस परसेंट बढ़ गई सरिया एक सौ तेईस परसेंट बढ़ गया सीमेंट आपकी दो सौ परसेंट बढ़ गई किसने देखना है उसको आप और मैं गुड प्रैक्टिस पर कारोबार कर सकते हैं डायरेक्शन देना उन लोगों का काम है अगर वो डायरेक्शन नहीं देंगे तो वही हाल होगा जो इस इंडस्ट्री का हाल है मोइ भाई जेनली मुझे बहुत मज़ा आया थैंक यू सो मच फॉर नए नए प्लेस आपने जब मुझे बताया था कि आप ये काम शुरू कर रहे हैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि बड़े मजे को बता दो कल एक जगह में बैठा हुआ था रात को तो वो मुझे एक बड़े रेनाउंड आर्क इंटीरियर डिज़ाइनर है खातून उनकी स्टोरी बता रहे थे तो मैंने कहा तुम्हें ये स्टोरी कैसे पता चली क्योंकि ये स्टोरी तो मुझे कहते हैं कि हमने रॉक फील्ड का कोई पॉडकास्ट सीजन देखा था लास्ट में जो आपने वीडियोग्राफी कर रहा था इंटरव्यू तो दिस हेल्प्स अ लॉड जब आप लोगों की जर्नी के बारे में बताते हैं जब कोई आके अपना इशू बताता है उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती है उस इंडस्ट्री के साथ सोशिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ जाती है सो so, आई होप आपको अल्लाह और तरक्की दे, आप और लोगों का करें थैंक यू सर जी थैंक यू सो मच हमारा ऑनिस्टली एक जनवन गोल सिर्फ ये कि जिस तरह आपने प्लेटफॉर्म बनाया था टू कनेक्ट पीपल इसी तरह आप जैसे लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए और वो लोगों को इंस्पायर करें और आपकी स्टोरीज़ जिसके थ्रू कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी एंड इनशा आई एम अ वेरी ऑप्टोमिस्टिक पर्सन इनशाला बेहतर दिन भी आएंगे एंड अंटिल नेक्स्ट एपिसोड थैंक यू फॉर वॉचिंग